ये आकाशवाणी रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। उच्चतम न्यायालय हा नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA ला लागू करे ऊपर रोक लगाए ले मना कर दे है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में पहली चरण के मतदान पर काली अधिसूचना होही जारी। एक संग नामांकन पत्र भरे के सिलसिला शुरू हो जही। और मौसम विभाग हा अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कतकोन जगह में आकाशी बिजली और ओला गिरे के संग बारिश होए के चेतावनी दे है। अब समाचार विस्तार ले। उच्चतम न्यायालय हा नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA ला लागू करे ऊपर रोक लगाए ले मना कर दे है। न्यायालय हा पाछू हफ्ता लागू होए एक कानून ला चुनौती देवैया 237 याचिका मन के जवाब देबर केंद्र सरकार ला 3 हफ्ता का समय दे है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश JB पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा मामला की सुनवाई करें। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस के जयराम नरेश और तृणमूल कांग्रेस के महुआ मोइत्रा संघ कतकोन लोगन हा ए मामला में याचिका दायर करे है। मामला की अगला सुनवाई 9 अप्रैल के होही। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में पहली चरण के मतदान पर काली 20 मार्च के अधिसूचना जारी होगी। एक संग नामांकन पत्र भरे के सिलसिला शुरू हो जही। 27 मार्च तक नामांकन भरे जा सकी। 28 मार्च के नामांकन पत्र की जांच होगी। उम्मीदवार 30 मार्च तक नाम वापस ले सकी। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में पहली चरण में 19 अप्रैल के मतदान होगी। जानवा के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट में 3 चरण में मतदान होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले हा प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मन के बैठका लिन। बैठका मा ओमनहा राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मन ला आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध मा विस्तार ले जानकारी दिन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मा आयोजित बैठका मा लोकसभा चुनई बर उम्मीदवार डहर ले नामांकन पत्र दाखिल करे के प्रक्रिया के बारे मा जानकारी देगीस। बैठका मा बताएगीस कि राज्य मा मतदाता सूची के आखिरी प्रकाशन के बाद घलो मतदाता मन के नाम जोड़े के काम चलत है। उन्हें लोकसभा चुनई बर घलो मतदान केंद्र मन मा मतदाता सहायता केंद्र बनाए जाही। ए केंद्र मन मा बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता मन के सहायता बर मतदाता मित्र घलो उपस्थित रही। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 85 बछर ले ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग और 40% या एखर ले ज्यादा दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र ले वोटिंग कर सकी। लोकसभा चुनई के मद्देनजर प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आने आने गतिविधि आयोजित करे जाते। इही कड़ी में बिलासपुर जिला के बिल्हा विकासखंड स्थित भैंसबोड़ गांव के प्रेरणादायिनी संकुल संगठन और गारमेंट फैक्ट्री के दीदी मन घलो स्वीप कार्यक्रम में शामिल हुई। एमआई लोगन मन मतदाता शपथ लेके स्थानीय लोगन मन ला घलो मतदान बर जागरूक करत है। ओती मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के तहत कोंडागांव जिला मा घलो आने आने कार्यक्रम के आयोजन करे जाते। गांव गांव मा मतदाता मन ला जागरूक करके ओमन ला अपन मतदान करे बर प्रेरित करे जाते। बिहान स्व सहायता समूह के माई लोगन मन हा गांव मा सबो चौक चौराहा और सार्वजनिक जगह मा मतदान के तारीख के संग समय लिख के लोगन मन ला मतदान के संदेश पहुंचावत है। स्व सहायता समूह के दीदी मन घर घर जाके लोगन मन ला जागरूक घलो करत है। पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल हा भारतीय जनता पार्टी ऊपर सत्ता के दुरुपयोग और दबाव के राजनीति करे के आरोप लगा है। ए बात श्री बघेल हा राजनांदगांव दौरा के दौरान ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कही। ओमनहा पार्टी कार्यकर्ता के आह्वान करीन कि ओमनहा महंगाई बेरोजगारी और किसान के समस्या ला लेके जनता के बीच में पहुंचे। दूसर कोती सांसद और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे हा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऊपर राज्य के मुखिया रहत हुए जनता के संग धोखा करे के आरोप लगा है। महादेव सत्ता ऐप मामला में श्री पांडे कहीं कि श्री बघेल के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करे जावत है। राजनांदगांव में एक पत्रकार वार्ता ला संबोधित करत हुए उन्होंने कहीं कि एक घोटाला में जुड़े आने आरोपी मन के नाव घलो धीरे धीरे सामने आवत है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज।
तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगु बाढ़ बांचे समाचार कोती। दंतेवाड़ा जिला के किरंदुर थाना क्षेत्र मा सुरक्षा बल मन के संग होई मुठभेड़ मा एक माओवादी मारे गए है। घटना स्थल ले हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद करे गए है। जानबा के मुताबिक दंतेवाड़ा बीजापुर जिला के सीमावर्ती इलाका ले लगे पुरंगेल गमपुर के जंगल मा माओवादी मन के इकट्ठा होए के सूचना मिले रही, जेखर बाद डीआरजी बस्तर फाइटर्स और सीआरपीएफ के संयुक्त टीम रवाना करेगी। ए दौरान सुरक्षा बल और माओवादी मन के बीच मुठभेड़ हुई, जेमा एक माओवादी मारेगिस जेखर सब बरामद कर ले गए है। सुरक्षा बल मनहा दावा करे है कि ए मुठभेड़ मा कतकोन दूसर माओवादी घायल हो है। ओती छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाका मा सुरक्षा बल मन के संग होए मुठभेड़ मा चार माओवादी मारे गए है। ए माओवादी मन ऊपर 36 लाख रुपया के इनाम घोषित रहीस। जानबा के मुताबिक छत्तीसगढ़ के सीमा ले लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला के कोला मार्का के जंगल मा आज बिहनिया C60 कमांडो और माओवादी मन के बीच ए मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ मा डीवीसी सदस्य वर्गीस, डीवीसी मंगतू और प्लाटून सदस्य कुरसम राजू के संग वेंकटेश के मौत हो गए। मौका मा सुरक्षा बल मनहा AK-47, एक कार्बाइन और दो देसी हथियार बरामद करे है। दुर्ग के गंजपारा मा आज बिहनिया कपड़ा सुखावत समय करेंट के चपेट मा आए ले दो लोगन के मौत हो गए। बताए जात है कि ए माई लोगन कपड़ा सुखावत रहीस, इही समय ओहा करेंट के चपेट मा आगिस। ओला बचाए की कोशिश मा माई लोगन के ससुर ला घलो करेंट लग गिस, जेखर ले दोनों के मौका मा ही मौत हो गए। उही रायगढ़ जिला के तमनार थाना क्षेत्र मा काली संझा ट्रैक्टर पलटे रे एखन नीचे दबके दो लोगन के मौत हो गए। ए घटना रेगांव सलिया भाटा रोड तीर खेत मा जोताई के दौरान हुईस। इसने जांजगीर चांपा जिला के बलौदा क्षेत्र स्थित हरदी बाजार रोड मा अज्ञात ट्रेलर हा मोटरसाइकिल सवार तीन मनखेला टक्कर मार दिस। ए हादसा मा एक मनखे के मौत हो गए, फिर दो आने मनखे गंभीर रूप ले घायल हो गए है। दंतेवाड़ा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक फागुन मेला मड़ई मा आज चौथैया दिन नाच मांडनी के रस्म अदा करेगी। एकर पहली काली तिसरैया दिन माए जी के तिसरैया पालकी निकालेगी। संगे संग खोर खुंदनी के रस्म अदा करत हुए तेलगा कुम्हार और सेठिया जाति के लोगन मना बाजा मोहरी के गूंज मा परम्परागत नृत्य करीन। पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कतकोन जगह मा आकाशीय बिजली और ओला गिरे के संग बारिश होए के चेतावनी दे है। ए दौरान राज्य के उत्तरी इलाका के कतकोन जिला मा तेज अधर चल सकत है। उहे बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, गरियाबंद और महासमुंद जिला मा घलो मध्यम ले ज्यादा बारिश होए की संभावना है। इस बीच पाछू दो दिन ले राज्य के कतकोन इलाका मा तेज ले मध्यम बारिश होए के समाचार मिले है। ए दौरान कतकोन जगह मा अधर चले के संग ओला घलो गिरे है। काली और आज राजधानी रायपुर में घलो तेज हवा के संग बारिश हुए है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 मार्च ले राज्य के अधिकतम तापमान में एक घोफेर बढ़ोतरी होए की संभावना है। अब थोरकुन समाचार सारमा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन आज रायपुर दौरा में है। ओमनहा इस समय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में चुनाई प्रबंधन समिति के बैठका लेवत है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव और सह प्रभारी विजय जांगीड़ आज ले छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरा में रही। आज रात ओमन नई दिल्ली के रायपुर पहुंची, जेखर बाद काली श्री जांगीड़ धमतरी मां जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठका मां भाग लिही। आखिर मां प्रमुख समाचार एक घो फेर। उच्चतम न्यायालय हा नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA ला लागू करे के ऊपर रोक लगाए ले मना कर दे है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में पहली चरण के मतदान पर काली अधिसूचना हो ही जारी। एकरे संग नामांकन पत्र भरे के सिलसिला शुरू हो जही। और मौसम विभाग हा अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कतकोन जगह में आकाशी बिजली और ओला गिरे के संग बारिश होए के चेतावनी दे है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।